हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वलसाड शहर के बारे में बात करने वाले हैं। वलसाड जिला गुजरात के 33 जिलों में से एक है। ऐतिहासिक रूप से वलसाड के रूप में जाना जाता है। गुजरात राज्य के वलसाड जिले में एक शहर और एक नगर पालिका है। यह वलसाड जिले का जिला मुख्यालय है। वलसाड शहर नवसारी और सूरत के दक्षिण में स्थित है। जिले का सबसे बड़ा शहर वापी है। इस शहर का उपनाम शांति का शहर है। 1 जून 1964 को वलसाड जिले का गठन सूरत जिले को वलसाड और सूरत जिले में विभाजित करने के बाद किया गया था। यह शहर समुद्र तल से 13 मीटर की ऊंचाई पर 2947.49 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस शहर की जनसंख्या 17,05,678 है, जिसमें पुरुषों की आबादी 8,87,222 और महिलाओं की 8,18,456 है। धर्म के आधार पर 92.11% हिंदू, 5.51% मुस्लिम और 1.15% ईसाई धर्म के लोग इस शहर में खुशी खुशी रहते हैं। इस शहर में 567 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इस शहर में 1000 प्रति पुरुष पर 922 महिलाएं पाई जाती हैं। इस शहर में 78.55% लोग पढ़े लिखे हैं। अगर आपको चलते वक्त GS15 नंबर प्लेट की गाड़ियां दिख जाए तो समझ जाइए आप वलसाड जिले में एंटर हो चुके हैं। कृषि की बात की जाए तो वलसाड गुजरात में एक बागवानी केंद्र है। इस शहर में उत्पादित होने वाली प्रमुख बागवानी फसलें जैसे आम, पपीता, अमरूद, ककड़ी, चीकू और गन्ना है। वलसाड अल्फांसो यानी वलसाडी हाउस के लिए प्रसिद्ध है। वलसाड को गुजरात की आम की राजधानी भी कहा जाता है। वलसाड चीकू की देश भर में और साथ ही दुनिया में हाई डिमांड है। लोगों की बात की जाए तो इस शहर में रसायन, कपड़ा, इंजीनियरिंग और कागज उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शामिल छोटे और मध्यम उद्यमों यानी SME की 10,176 से अधिक यूनिट्स मौजूद हैं। इस शहर में कई बड़ी कंपनियां जैसे वेलस्पन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रेमंड, सन फार्मा, पिडिलाइट और वादीलाल मौजूद हैं। आवागमन की बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग 48 यहां से होकर गुजरती है, जो इसे देश के अन्य प्रमुख शहरों से कनेक्ट करती है। बाय रोड आप देश के अन्य प्रमुख शहरों से आसानी से वलसाड के लिए नियमित बसें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ का नज़दीकी बस अड्डा वलसाड बस अड्डा है। वलसाड रेलवे स्टेशन एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो इसे कई अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ता है। देश भर के अन्य प्रमुख शहरों से वलसाड के लिए नियमित फ्लाइटें नहीं है। निकटतम हवाई अड्डा सूरत हवाई अड्डा STV है, जो 99 किलोमीटर दूर है राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के माध्यम से। चलिए अब उन अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं जो टूरिस्टों की आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। 1 तीथल बीच, 2 उदवाड़ा आताश बेराम अग्नि मंदिर, 3 बिलपुड़ी जलप्रपात धर्मपुर, 4 नारगोल बीच, 5 विल्सन हिल्स, 6 श्री स्वामी नारायण मंदिर, 7 ताड़केश्वर महादेव मंदिर, 8 मोरारजी देसाई संग्रहालय, 9 कैलियन बाग, 10 लेडी विल्सन संग्रहालय, 11 श्री मंदिर स्वामी जैन देरासर नंदीग्राम, 12 परनेरा हिल, 13 परनेरा किला, 14 उमरगाम बीच, 15 बगवाड़ा अर्जुनगढ़ का किला, 16 श्री भाव भावेश्वर महादेव मंदिर, 17 माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने शहर की वीडियो बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।